हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक अपकमिंग मलयालम मूवी के बारे में जिसका नाम है द प्रिस्ट। कल ही उसका टीज़र रिलीज़ हुआ है और इस पर्टिकुलर मूवी के लिए मैं कई महीनों से ज़्यादा वेट कर रहा था। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैंने मेरे प्रीवियस एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने टॉप 40 साउथ अपकमिंग मूवीज़ के बारे में बताया था, तो उसमें ये मूवी भी थी और वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था इस मूवी से रिलेटेड। तो आज फाइनली मुझे मौका मिला दोबारा से इस मूवी के बारे में बात करने का। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये ज़बरदस्त वीडियो। बात करेंगे हम लोग द प्रिस्ट मूवी की। तो देखिए, टीज़र 1 मिनट 17 सेकंड का है और इसका जॉनरा है सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर। और इसमें हमें नज़र आते हैं मेगा स्टार मम्मूती और पहली बार इनके साथ हमें नज़र आने वाली है मंजू वॉरियर। और इन दोनों ही की वजह से इस पर्टिकुलर मूवी का जो क्रेज़ है वो अपने आप में तो बढ़ चुका है, लेकिन इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल टुगेदर काफ़ी यूनिक लग रहा है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेबुटान जॉफिन टी चेको ने। और ये मूवी का टीज़र आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर आपको प्लॉट के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो एक डार्क थीम है ना वो आपको इजीली समझ में आती है। साथ साथ जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनके चेहरे पे जो सस्पेंस है वो आप लोग महसूस कर पाते हैं। उसके अलावा जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको इस टीज़र में सुनने को मिलती है वो आपको गूज़बम्प्स से लेके आती है। और जिस तरीके से कैमरा मूव हुआ है स्लोली स्लोली और जो सिनेमेटोग्राफी है, जो एक एटमोसफियर उन लोगों ने क्रिएट किया इस मूवी में, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आपको एक स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए ना तो ये मूवी को आपको थिएटर में देखना पड़ेगा। टीज़र देख के वो एक अलग सा एहसास हो रहा है, तो सोचो मूवी कितनी गजब की होगी। और टीज़र देखकर आपको एक ही चीज़ लगेगा, हॉलीवुड की अपकमिंग मूवी देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हॉलीवुड से क्यों कंपेयर करते हो, तो इंसान हमेशा जो बेस्ट होता है उसी से कंपेयर करता है और हॉलीवुड का जो लेवल है वो बहुत ही हाई है। लेकिन पूरे इंडिया में अगर हॉलीवुड के लेवल को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है साउथ की मूवीज़। उसमें सब आ जाता है, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। और इन चारों इंडस्ट्रीज में जो कुछ डायरेक्टर्स हैं वो लोग ऐसे ऐसी मूवीज़ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सिनेमेटोग्राफी डाल रहे हैं, इस लेवल के BGM डाल रहे हैं कि बिल्कुल हॉलीवुड के साथ टक्कर पे आ गए। और बॉलीवुड तो मतलब समझ लो इन दोनों के बीच में आके दब चुका है। बॉलीवुड तो भाड़ में गया क्योंकि बॉलीवुड में पैसा है, बॉलीवुड में सिर्फ ऑडियंस है, बड़ी ग्लोबली ऑडियंस है, लेकिन उनके पास जो चीज़ें होना चाहिए ना कॉन्सेप्ट वो एकदम ज़ीरो है। लेकिन साउथ वाले एक तरफ देखो, फॉर एग्जांपल द प्रिस्ट वाले को ही देख लो, कॉन्सेप्ट देखो, एक यूनिक हट के कॉन्सेप्ट देखो और बड़े बड़े एक्टर्स उनके इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे उनका सपोर्ट भी दे रहे हैं। और इसी वजह से जो एक क्रेज़ है ना अलग लेवल का बढ़ चुका है साउथ की मूवीज़ देखने के लिए। और ये पर्टिकुलर मूवी द प्रिस्ट, इसके लिए तो भाई जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा दीवानी हो गई है। एक आई थिंक ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन में ही 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी मिल चुके हैं उस पर्टिकुलर टीज़र को। और मेगा स्टार मम्मूती का जिस तरह से कमबैक हुआ है वो तो अपने आप में बहुत ही गजब की बात है। और इस टीज़र में जो उनका लुक है प्रिस्ट का और जिस तरीके से वो उनकी ग्लिम्स हमें नज़र आए, मैं कह सकता हूँ कि यार वो इस बार पूरी तरह से बवाल मचाने वाले हैं। ये मूवी वन ऑफ दी बेस्ट मलयालम मूवीज़ में से होगी, मार्क माय वर्ड। ये मूवी मैं पर्सनली खुद देखूंगा और भाई प्लीज़ इंग्लिश सबटाइटल में रिलीज़ करना, वरना मेरे जैसे जो ऑडियंस है उनका पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी तो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, मैं इसी तरह का रिव्यू करता हूँ। ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही जो बेल आइकन उसे कर देना प्रेस, और हाँ इस वीडियो को दबा के शेयर करनी है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल जाए।